हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप अच्छे से देखते रहिए, मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ पोएट्री पोएम नंबर एक, जिसका नाम है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज ए फेमस पोएम कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। सर हेनरी वॉटन वॉज बोर्न इन 1568 एंड डाइड इन 1639, यानी कि 1568 में इनका जन्म हुआ था और 1639 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सर हेनरी वॉटन, ठीक है, बहुत अच्छी पोएम है। करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इसका अर्थ है एक प्रसन्न जीवन के गुण, ठीक है, या एक प्रसन्न जीवन के गुण। जो लिखी पोएम है सर हेनरी वॉटन ने, सर हेनरी वॉटन ने, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द पोएट, पोएट के विषय में बताने जा रहा हूँ आपको। सर हेनरी वॉटन वॉज ए फेमस स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ 17th सेंचुरी। सर हेनरी वॉटन एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कॉलर थे। स्कॉलर मतलब होता है जैसे कि विद्वान, एंड क्रिटिक आलोचक ऑफ द 17th सेंचुरी। मतलब सर हेनरी वॉटन जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध स्कॉलर, अर्थात वो बहुत ही प्रसिद्ध एक प्रसिद्ध विद्वान और 17th सेंचुरी के आलोचक थे। ही वॉज ए वर्डली वाइज एंड प्रैक्टिकल मैन, वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल मैन थे और बहुत ही सांसारिक बुद्धिमानी थे, बुद्धिमानी व्यक्ति थे। ही वॉज एजुकेटेड एट विंचेस्टर, एट क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड, एंड इंटर्ड द मिडिल टेंपल ऑफ क्वालिफाई फॉर प्रैक्टिसिंग एट द बार। इस तरीके से वो उन्होंने विंचेस्टर एट क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड एंड ऑक्सफोर्ड में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, शिक्षित हुए थे, एंड इंटर द मिडिल टेंपल टू क्वालिफाई फॉर द प्रैक्टिसिंग एट द बार। इस तरीके से मिडिल टेंपल में उन्होंने प्रवेश किया क्वालिफाई करके, एट द बार बार में प्रवेश किया प्रैक्टिस करने के लिए। ही वॉज एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस एंड एम्प्लॉयड ऑफ वेरियस अदर डिप्लोमेटिक मिशंस फ्राम 1604 टू 1624। इस तरीके से वो जो थे एम्बेसडर थे, हमारे वेनिस के एक कोर्ट के एम्बेसडर थे, संदेश वाहक थे, एंड एम्प्लॉयड ऑन वेरियस अदर डिप्लोमेटिक मिशंस, और कई डिप्लोमेटिक मिशंस में वो एक बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय थे, कार्यकर्ता थे, ठीक है, 1604 से लेकर 1624 थे तक। हिज डेफिनेशन ऑफ द एम्बेसडर हैज़ बिकेम प्रोवर्बल, और उनकी जो डेफिनेशन जो थी बहुत ही प्रोवर्बल हो गई थी, कहावत पूर्ण बन गई थी। एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन, एक एम्बेसडर जो होता है वो एक ऑनेस्ट ऑनेस्ट मैन होता है, ईमानदार होता है। सेंट टू लाई एब्रोड फॉर गुड ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की अच्छाई के लिए वो पड़ा रहता है और देश की जो अपने अपने देश की अच्छाई के लिए कार्य करता रहता है। वो हेनरी वॉटन, सर हेनरी वॉटन वाज प्रोवेस्ट ऑफ ईटन फ्रॉम 1624 टू 1639, एंड अमंग हिज नोटेबल फ्रेंड्स वर जॉनटन। इनके बहुत ही अच्छे वो 1624 से लेकर 1639 तक वो प्रोवेस्ट रहते थे, और इनके बीच में, उनके दोस्तों के बीच में एक जॉनटन थे जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, आइजक बॉल्टन, बॉल्टन भी उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो था वो एवर वेरी फेमस राइटर्स ऑफ दियर टाइम्स, वो अपने समय के बहुत ही फेमस राइटर थे, वो भी जॉनटन और आइजक वाल्टन। टुडे वाटन्स फेम रेस्ट ऑन हिज लिरिक ऑन हिज मिस्ट्रेस। इस तरीके से उनका सर हेनरी वाटन का बहुत ही प्रसिद्ध एक लिरिक है जो है ऑन हिज मिस्ट्रेस। एक तो है ऑन हिज मिस्ट्रेस, दूसरा है क्वीन ऑफ बोहेमिया, एंड डिडेक्टिक पीस कॉल्ड करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, और इसी को डिडेक्टिक पीस को हमने करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कहा गया है। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द पोएम, मैं पोएम के विषय, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द पोएम, मैं आपको पोएम के विषय में बताने जा रहा हूँ। द पोएम इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑन विच द पोएट्स फेम रेस्ट। इस तरीके से ये कविता जो है बहुत ही फेमस कविता है, बहुत ही बेस्ट कविता है, जिसमें कवि की बहुत फेम है, कवि की प्रसिद्धि में, जिसमें बहुत ही अच्छी पोएम है ये। इट इज ए
इट इज़ फुल ऑफ मॉरल्स, अरे मॉरल्स मॉरल्स बहुत ही भरी हुई है। द पोएट हैज पॉइंटेड आउट सम क्वालिटीज विच मेक ए मैंस लाइफ सब्लाइम। इस तरीके से कवि जो है हमारे कुछ क्वालिटियों को, कुछ गुणों की ओर संकेत करता है, बताता है, इशारा देता है, विच मेक ए मैंस लाइफ सब्लाइम, जो व्यक्ति की लाइफ को सब्लाइम बना देते हैं। एंड द पोएम टेल्स अस दैट मॉरल क्वालिटीज आर द बेटर देन वर्डली पोजेशंस, वर्डली पोजेशंस। इस तरीके से कविता जो है वो हमें बताती है कि दैट मीन्स कि हमारे नैतिक गुण जो हैं वो हमारे सांसारिक पोजेशंस से बहुत बेटर हैं, अच्छे हैं। इन दिस ओन पिकुलियर वे, एक बहुत खास करके रास्ते में, ही सेज दैट ए मैन हु इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो ही मे हैव नो लैंड इज एन आइडिया पर्सन। इस तरीके से हमें अपने रास्ते में वो बताते हैं दैट कि ए मैन हु इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, और एक व्यक्ति जो होता है रियल मैन होता है, एक बार सच्चा व्यक्ति होता है, वो स्वयं का मालिक होता है। दो यद्यपि ही मे हैव नो लैंड, उसके पास जमीन ना हो, भूमि ना हो, खेती ना हो, फिर भी वो अपना स्वयं का मालिक होता है, इज एन आइडिया पर्सन, वो एक आइडियल पर्सन होता है, एक आदर्श व्यक्ति होता है। दस इन दैट लाइन ऑफ द डिडेक्टिक पोएम, ये बहुत ही एक अच्छी डिडेक्टिक पोएम की एक अंतिम लाइनें हैं, वो बात कही गई हैं। देखो ही सेज क्लियरली, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, बहुत अच्छी लाइन है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। इसका हिंदी अर्थ है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। पोएट्री बहुत अच्छी है, ऐसी पोएम पढ़ाऊंगा कि तुम भी कहोगे कि हाँ पोएम पढ़ाइए। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और इसका अर्थ ये है उसके पास कुछ नहीं है और फिर भी उसके पास सब कुछ है। इसका अर्थ ये है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, इसका अर्थ है उसके पास कुछ नहीं है और फिर भी उसके पास सब कुछ है, क्योंकि वो ईमानदार है, क्योंकि वो सच्चा व्यक्ति है, क्योंकि वो ग्रेट मैन है। तो कुछ नहीं है उसके पास, तो उसके पास फिर भी उसके पास सब कुछ है। ठीक है, मैं आपको अब टेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी पोएम है, अच्छी तरीके से पढ़ते रहना, बहुत अच्छी पोएम है, पढ़ा दूँगा तुमको करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। अब पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, आई एम गोइंग टू टीच द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज ए फेमस पोएम कंपोज्ड बाई सर हेनरी वाटन। इन दिस पोएम सर हेनरी वाटन टेल्स अबाउट अस द गुड क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी लाइफ एंड ए हैप्पी लाइफ। ए हैप्पी मैन हैज ए हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैन डज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ही डज नॉट फियर टू गॉड। He does not fear the problems of in the ways of life. He does not burn to be a slave of any person of this world. Okay, हम आपको poem पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। How happy is he born or taught that serveth not another's will। बहुत अच्छी पोएम है, ध्यान रखना, बहुत अच्छी पोएम है, समझ लेना, बहुत अच्छी पोएम है, पढ़ाते रहेंगे, समझते रहो, बस कंटिन्यू है कि बाकी रहे पे फालतू। हाँ ठीक। How happy is he born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। इस तरीके से यहाँ पे इन लाइनों में बता रहे हैं, पहली लाइन How happy is he born or taught, वह व्यक्ति हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा, हाउ हैप्पी इज ही
बोर नॉट टाट। देखो यहाँ पे है हाउ हैप्पी कार्थे, कितना प्रसन्न। अब ही माने वाह, अब बोर माने पैदा हुआ, और माने अर्थात, आट माने टाट माने पढ़ाना, पढ़ाने का अर्थ है शिक्षा, टाट माने यहाँ पर पढ़ाना होता है, पढ़ाने का अर्थ ये पोएम है। पोएम में थोड़ा अर्थ अलग निकाला जाता है, स्पेलिंग भी होती है, उसका अर्थ थोड़ा समझा जाता है, विचार पूर्ण किया जाता है। कविता में अर्थ क्या निकल रहा है उसके उसके अनुसार अर्थ निकालना पड़ता है, ध्यान रखना। स्पेलिंग वैसे टाट में सिखाना होता है, पढ़ाना होता है, ठीक है। टीच में पढ़ाना, टीच की थर्ड फॉर्म में पढ़ाना, तो पढ़ाना होना चाहिए। पढ़ाने का अर्थ है यहाँ पे शिक्षा। तो वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है, इसका अर्थ है। फिर बता रहे दैट सर्व नॉट एन अदर्स बिल। अदर्स बिल का अर्थ है सर्व माने सेवा करता है, नॉट मीन्स नहीं, एन अदर मीन्स होता दूसरे, अपोस्ट्रोफ एस की, बिल माने इच्छा, बिल माने इच्छा। यहाँ पे कह, बहुत अच्छी पोएम है, बहुत अच्छी यार, बढ़िया तरीके से समझते रहो। हाउ हैप्पी हिज इज ही बोर्न नॉट टाट। वह व्यक्ति, दोनों लाइनों का अर्थ निकल रहा है, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जिसका जन्म और शिक्षा किसी दूसरे की इच्छा का, इच्छा की सेवा नहीं करता होगा। या ऐसे कह लो, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जिसका जन्म अर्थात शिक्षा दूसरे लोगों की इच्छा का दास नहीं होगा। इसका अर्थ ये है, बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे। फिर दूसरी लाइन, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। जिनका आर्मर मिस कवच, जिनका कवच ही उनका सत्य विचार है, एंड सिंपल ट्रुथ हिज एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। और उनके साधारण सत्य ही उनके सर्वोच्च महानतम कुशलताएं हैं या कुशल हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिनके पैशन, पैशन मतलब होता है वेग, ठीक है, उमंग, जिनके वेग या जिनकी उमंग, ठीक है, जिनके पैशन, पैशन माने वेग, जैसे उनके वेग किसी, या जैसे उनकी इच्छाएं का कोई मालिक नहीं है। हिज मास्टर्स आर नॉट, नॉट हिज मास्टर्स आर। यहाँ पे कह रहे हैं जैसे मैं हूँ या उस व्यक्ति, वो प्रसन्न व्यक्ति है, उस व्यक्ति के, उसका कोई इच्छाओं का कोई मालिक नहीं है, वो कह रहा है। या किसी की पैशन जो होते हैं वो किसी के मालिक नहीं है, या उनकी इच्छाओं के किसी के मालिक नहीं है, कोई मालिक नहीं है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। और ऐसे लोगों की आत्मा, हुज सोल माने आत्मा, स्टिल माने प्रिपेयर्ड में तैयार रहती है, फॉर मीन्स कैरी, डेथ माने मृत्यु, डेथ मीन्स मृत्यु। जिनकी आत्माएं या जिनकी आत्मा मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, किसकी, जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं, जो किसी के दास नहीं होते हैं, वो व्यक्ति मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो मृत्यु से डरते नहीं है, वो फेस करते हैं। आई हैव फेस टू डेथ, डेथ इज कंपल्सरी फैक्ट ऑफ लाइफ, सो वी हैव टू फेस डेथ। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर आर प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रद। वो संसार की चिंता नहीं करता है, संसार की बातों की चिंता नहीं करता है, और वो कहते हैं कि और प्रिंसली लव, वो राजकुमार लोग, गरीब आदमी होते हैं, वो सोचते हैं कि हमें ये राजा प्रेम करने लगे या हमें ये राजा चाहने लगे तो हम इसके शरण में रहकर अच्छे रहेंगे। लेकिन ईमानदार व्यक्ति ये नहीं सोचता है, ईमानदार व्यक्ति ये कह रहा है यहाँ पे कि कहता है उसे ना संसार की चिंता होती है, ना राजकुमार के प्रेम की चिंता होती है, ना ही ये समाज के कुछ लोग तुच्छ होते हैं जो गाली गलौज करते रहते हैं, बकवाद करते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, भद्दे शब्द यूज करते रहते हैं, ना वो उनकी चिंता करता है। ये तुम्हारे दो पैरा हो गए, बहुत अच्छे पैरा हैं। हाँ, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड।
लाइफ मीन्स जीवन्स, जीवन न्यू, र्यूमर्स मीन्स होता है अफवाहें, र्यूमर्स मीन्स क्या होता है अफवाहें, जो व्यक्ति होते हैं जिनका, जिन व्यक्तियों का जीवन होता है अफवाहों से स्वतंत्र है, यानी कि जिनका जीवन जो है र्यूमर्स से स्वतंत्र है, र्यूमर्स से नहीं है मतलब अफवाहों से स्वतंत्र है, हुज कंसेंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, उनकी आत्माएं ही, कंसियंस मीन्स आत्मा, अंतरात्मा, उनकी अंतरात्मा ही, जिनकी अंतरात्मा ही उनका मजबूत शरण स्थल है, स्ट्रांग रिट्रीट मीन्स होता है मजबूत शरण स्थल, जिनकी आत्माएं उनके मजबूत शरण स्थल हैं या जिनकी अंतरात्मा है, कंसियंस मीन्स अंतरात्मा या आंतरिक तरीके से, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीड नार रुइन मेक अ प्रेशर्स ग्रेट, इस तरीके से ना तो वो स्टेट की चिंता करता है, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीड, और जिनके जो स्टेट के लोग हैं उनकी फ्लेटर्स करते रहते हैं, फ्लेटर्स मतलब होता है चापलूसी करते रहते हैं, चापलूसी करते रहते हैं, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीड नार रुइन मेक अ प्रेशर्स ग्रेट, और जो व्यक्ति चापलूसी करते रहते हैं ना तो वो चापलूसी करते हैं और ना रुइन मेक अ प्रेशर्स ग्रेट, इस तरीके से ऐसे लोग ही जो चापलूसी करते रहते हैं, ऐसे लोग ही व्यक्ति को बड़े अत्याचार करने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिससे व्यक्ति रुइन हो जाता है, रुइन मतलब बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर हु एनवीज नन हुम चांस टू डेथ रेज नार वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, लेकिन जो एनवी करते हैं, नन हुम शत्रुता बनाते रहते हैं, वो ऐसे मौके देखते रहते हैं लेकिन इन बुराइयों को वे व्यक्ति कभी नहीं समझ पाते हैं, हु नेवर अंडरस्टूड, ऐसे व्यक्ति होते हैं वो चांस उठ गिरने और उठने का चांस देखते रहते हैं और जो एनवी करते हैं, शत्रुता दिखाते हैं और वे व्यक्ति गुणों को कभी नहीं समझ पाते, नेवर अंडरस्टूड, वो इन गुणों को कभी नहीं समझ पाते, वाइस मीन्स गुण, गुणों को का गुणों गुण गुण होते हैं, गुण को कभी नहीं समझ पाते हैं। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवेन विद प्रेज, हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवेन विद प्रेज ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, इस तरीके से यहाँ पे कवि कह रहा है आपका कि जो व्यक्ति तुम्हारी अधिक तारीफ करता है, ध्यान रखना वो तारीफ के साथ साथ तुम्हें गहरे घाव भी देता है, हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवेन विद प्रेज, जो व्यक्ति तुम्हारी तारीफ करता है बहुत ज़्यादा, वो तारीफ के साथ साथ तुम्हें गहरे घाव भी देता है, ध्यान रखना इस बात को, नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वो ही सत्य व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति, एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति, ना तो प्रदेश के रूलों का फॉलो करता है ना तो प्रदेश के नियमों का पालन करता है, वो तो सिर्फ अच्छाई के नियमों का पालन करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, बट रूल्स ऑफ गुड, वो अच्छाइयों के नियमों का पालन करता रहता है, वो स्टेट की चिंता नहीं करता है, वो अच्छाइयों के नियम को पालन करता रहता है। हु गार्डथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड, हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, वे व्यक्ति, देखो ध्यान देना, लेट एंड अर्ली प्रे, लेट का अर्थ है देर यानी कि शाम, अर्ली का अर्थ है जल्दी यानी कि सुबह, ध्यान रखना, लेट का अर्थ है देर अर्थात शाम, अर्ली का अर्थ है जल्दी अर्थात सुबह,
तो यहाँ पे लेट कार्ड सुबह, अर्ली कार्ड अर्ली, लेट कार्ड शाम, अर्ली कार्ड सुबह लगाया गया है। तो पोएम है, पोएम में थोड़ा मीनिंग अर्थ अलग निकाला जाता है। जो व्यक्ति और हु गॉड डेथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे बेले बेले विद ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। जो व्यक्ति सुबह और शाम भगवान की भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके गिफ्ट पाने से अधिक उनकी कृपा पाने के लिए सुबह और शाम तक प्रार्थना करते हैं भगवान से, समझ लो। जो व्यक्ति सुबह और शाम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी उनकी गिफ्ट उपहार से, उपहार नहीं बल्कि उनकी कृपा पाने के लिए, उपहार से अधिक उनकी कृपा पाने के लिए सुबह और शाम उनसे प्रार्थना करते हैं, इसका अर्थ है। Who entertains the harmless day? वही सच्चा व्यक्ति, an honest man, एक happy man, एक प्रसन्न व्यक्ति। Who entertains the harmless day? वही एक प्रसन्न व्यक्ति कठिनाइयों के दिन भी आनंद लेता रहता है। Who entertain? Entertain means होता है आनंद लेना। Harmless day means होता है कठिनाइयों के समय। Harmless day means होता है कठिनाइयों के समय। Who entertains the harmless day? वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है, और वह कित वो ऐसा व्यक्ति होता है वो अपनी कठिनाइयों भी होती हैं तब भी वो इंटरटेन करता रहता है। इंटरटेन मतलब मनोरंजन करता रहता है, इंटरटेन मतलब होता है मनोरंजन करता रहता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, इस तरीके से। और वो कठिनाइयों के सामने भी इंटरटेनमेंट करता रहता है, आनंद लेता रहता है, और बहुत दुखी होता है तो फिर ऐसा करता है एक अच्छे मित्र या अपनी मनपसंद किताब लेकर पढ़ने बैठ जाता है, समझ रहे हो। ये होते हैं टेंशन को दूर हटाने के तरीके, ठीक है। कठिनाइयों में भी वो खुश रहता है, प्रसन्न व्यक्ति। तो प्रसन्न व्यक्ति बनो। आई होप दैट यू बी ए हैप्पी मैन एंड ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। ये लास्ट पैरा है, बहुत लास्ट स्टेंजा में पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, आता भी हर वर्ष पूछा जाता है, लगभग सभी ध्यान रखना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइलेंस। सर्वाइलेंस होता है जैसे कोई व्यक्ति हो उसे मजबूर में किसी का दास बनना पड़ रहा हो, उसे कहते हैं सर्वाइलेंस, ठीक है। यहाँ पे कहता है वह, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइलेंस, वही ईमानदार व्यक्ति, वही एक प्रसन्न व्यक्ति, एक ईमानदार एक प्रसन्न व्यक्ति कह लो, चाहे ईमानदार, एक प्रसन्न व्यक्ति ही जो होता है वो सर्वाइलेंस से फ्री रहता है। मतलब सर्वाइलेंस मीन्स वही होता है जैसे कि कोई व्यक्ति होता हो दास हो किसी का, बंधनों में बंधा हो, उन बंधनों से वो मुक्त होता है। कौन? एक सच्चा व्यक्ति, ए हैप्पी मैन, एक प्रसन्न व्यक्ति, ठीक है। ये ठीक है, ये इस तरीके से वो इनसे स्वतंत्र रहता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, अरे वो ना तो उठने की आशा से डरता है और फियर टू फॉल, और ना गिरने के भय से डर चिंता करता है, और ना वो उठने से डरता है और ना वो गिरने से डरता है, ये कह रहा। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वो स्वयं का मालिक होता है भूमि का नहीं, दुनिया का मालिक नहीं होता है वो स्वयं का मालिक होता है। एक ईमानदार व्यक्ति, एन ऑनेस्ट मैन इज ए मास्टर ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ अदर्स, वो दूसरों का मालिक नहीं होता है वो स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ नहीं होता है फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। आपकी पोएम हो चुकी है, बहुत अच्छी पोएम थी। इस तरीके से पढ़ते रहिए, अच्छे से देखते रहिए, जो भी ना समझाए आप पूछते रहिए, कमेंट बॉक्स में देते रहिए, हम आपका आंसर बता दे रहे हैं। जो कहोगे हम फिर से पढ़ाने के तैयार हैं, लेकिन देखने के लिए आप तैयार हैं, पढ़ने के लिए आप तैयार हैं। ओके, थैंक यू।